सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद देव। और कैसे हो आप सब? सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हम लोग साथ, मैं वापस, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सो बहुत दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, नो सुकून। सो अच्छा, अभी वक्त हो रहा है कुछ 6 बज रहे एंड जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल पे देखा है, सो यह वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है। सो एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही हूँ मैं। सो पहला इंटरव्यू है, रात भर थोड़े बहुत प्रिपरेशन मैंने किया, फिर मैं सो गया था, उसी एक्साइटमेंट में मैं आज जल्दी उठ गया। सोचा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं थोड़ा लाइफ को बदलते हैं ना। ऐसा तो मैं हर टाइम कॉलेज हो तो ठीक है, मैं कॉलेज शुरू होने के जैसे आधा घंटा एक घंटा पहले उठता हूँ, बट आज मैंने अपने आपको बहुत अच्छा सा टाइम दिया। मैं उठा, उठ के मैं थोड़ा वॉकिंग पे गया था, थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा हूँ ताकि जो जो मैंने सोचा हुआ है वो जाके मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ। एक्चुअली मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, कल रात को मुझे कॉल आ गया। मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, ना ही मैं ले सकता हूँ, हाँ इन फ्यूचर पता तो आपको लग ही जाना है, जब भी हो जैसा भी, बस दुआ करना हो जाए। तो यू नो, मतलब अगर आप अपने अर्ली 20s में अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, सो लाइक वो सबसे ग्रेट फीलिंग होती है। कुछ भी हो, मतलब जितना भी अमाउंट आप कमा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि जॉब लगने से ना दो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो है कि हाँ आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, और जो दूसरा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो है कि आपका लाइफ एक डिसिप्लिनड हो जाता है। यू नो, आज का दिन मज़ेदार दिन है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ओह फाइनली ये वो दिन है जो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। मैंने सेम रोल के लिए बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई किया है एंड फाइनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फाइव कंपनीज, और एक इंटरव्यू आज फिक्स्ड है जो कि शाम के 4 बजे है। तो जो शेड्यूल है, जो प्लान है, वो ये है कि मैं अभी 6:30 हो रहे, मैं 8 बजे यहाँ से जाऊँगा पहले कॉलेज, क्योंकि आज कॉलेज जाना ही है, क्योंकि पिछले दो दिनों से तबीयत ख़राब है तो मैं कॉलेज नहीं गया, तो आज मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो मैं आज कॉलेज जाऊँगा 8 बजे, फिर कॉलेज से मैं निकलूँगा 2:30 को, फिर वहाँ से मैं तुझे डायरेक्ट जाना है टी नगर। मतलब मेरे कॉलेज से जहाँ पर इंटरव्यू है वो 2 घंटे की दूरी पर है। तो हाँ, आप लोकल ट्रेन ले सकते हो, बट मैं लोकल ट्रेन नहीं लेना चाहता आज स्पेशली आज, क्योंकि मैं उस रूट पे बहुत कम जाता हूँ, तो मुझे ऐसे पूछ के जाना पड़ेगा, तो वक्त बहुत चला जाएगा। सो आई एम थिंकिंग टू गेट अ रैपिडो। सो गाइस, अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, अभी बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं और 4 बजे मेरा इंटरव्यू है, और मैंने रैपिडो बुक किया यहाँ से, बहुत दूर है यार, इस अराउंड 167 रुपीज़ ले रहा है मुझसे यहाँ पे, एंड बहुत अनफ्रेश हूँ, फ्रेश होने का मौका ही नहीं मिला मुझे ताकि मैं घर जाकर फ्रेश होकर इंटरव्यू के लिए जाऊँ, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है टाइम, और मुझे जाने में करीबन वहाँ पहुँचने में करीबन 40-45 मिनट लगने वाले, तो इसलिए मैं घर नहीं गया, मैं सीधा यहीं से कॉलेज से ही मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, और बाकी बातें वहाँ पहुँच कर करते हैं। अभी क्या है, रैपिडो आएगा, वो सब तो यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, तो मैं बात भी नहीं कर पाऊँगा, तो बाकी बातें वहाँ पर पहुँच कर करते हैं। सो गाइस, इंटरव्यू हो चुका है मेरा ख़त्म, काफ़ी वक्त तक चला ये इंटरव्यू यार, करीबन 30 मिनट तक मैंने ये इंटरव्यू मेरा चला एंड अच्छा था, बहुत मज़ा आया, और बहुत कुछ जो मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैंने सोचा था मैं उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाया, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। एंड यार अभी जो होता है वो होता है, जो भी होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई मैंने मस्त बोला है यार, मतलब छप्पड़ फाड़ के बोला है, जो मुझे लग रहा था मैंने वो बोला, बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ मैं। हाँ थोड़ा बहुत शुरू के था, क्योंकि पैनल बैठते हैं यार, 2-3 लोग बैठ गए थे तो थोड़ा बहुत फट रहा था, बट भाई ने आपकी इज्जत रख ली, मैंने हैंडल कर लिया, अपने आप को गैदर कर लिया, वो सब थॉट्स आ गए थे दिमाग में जो मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि हल्का स्माइल रखना एंड थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट लिखना चाहिए, वो सब तो हो गया वो। ओके आई डिड इट, इंटरव्यू हुआ, करीबन यार बहुत सवाल पूछे, लाइक ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं किसी सवाल का जवाब में ये बोल दूँ कि नहीं आता तब तक पूछ रहे थे, और आखिरकार उन्हें मिल गया वो सवाल, मैंने बोल दिया आई डोंट नो दैट, फिर जाकर वहाँ पर इंटरव्यू समाप्त हुआ।
मतलब टेक्निकल राउंड इंटरव्यू समाप्त हुआ, फिर सॉफ्ट स्किल पे बात चली कि स्ट्रेंथ एंड ऑल. मस्त था, बहुत मज़ा आया. लाइफ का पहला इंटरव्यू, पहला एक्सपीरियंस वॉज वेरी ऑसम. और ये जगह भी बहुत ऑसम है, ये टी नगर बाय द वे. ये टी नगर है, एकदम पॉश इलाका. और ये है, मैं ऑफिस का नाम तो आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको ऑफिस ज़रूर दिखाऊंगा. सो दिस इज़ द बिग बिल्डिंग. ओके, सो बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके पेरेंट कंपनी, डॉटर कंपनी, क्या 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 है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, बट जो भी है बहुत मज़ा आया. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ तक तो इस जोश पे आ गया, अब यहाँ से जो जाना में जो मेरे फटेगी ना भाई, फट के चार हो जानी है, क्योंकि बहुत दूर है ये. मतलब मैं तो आ गया रैपिडो में, अभी मैं जाने का रैपिडो नहीं ले सकता बिकॉज इट्स 25th ऑफ दिस मंथ. और देखा जवाब हूँ मैं तो. या मुझे तो नहीं लग रहा है कि यार मुझे इस रिजेक्ट करके इतना बड़ा लॉस ये कंपनी उठाएगी, बिकॉज मैं बेस्ट हूँ. मैं लिटरली मैं बेस्ट हूँ. और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सब भी ऐसे ही सोचना कि आप सब क्या हो, बेस्ट हो. और वैसे भी यार कुछ ना कुछ तो होगा, और जो भी होगा मज़ेदार होगा, ज़बरदस्त होगा. बाय द वे इसी बहाने टी नगर आना हो गया. अभी कुछ करते हैं, रुको, क्या करेंगे, रुक जाओ दो मिनट. सो मैं अभी किसी से एड्रेस पूछा कि चाय मैं कहाँ पी सकता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में चाहे अच्छा हो तो आपको चाय पीनी चाहिए, चाहे बुरा हो तो आपको चाय पीनी चाहिए. आपको मज़ा आए तो आप चाय पियो, आपको मज़ा ना आए तो आप चाय पियो. चाय इज़ अ कॉन्स्टेंट. चाय विल गिव यू स्ट्रेंथ, एनर्जी, और फिर से वो जोश कि आप फिर से लग जाओ अपनी ज़िंदगी के साथ. तब तक लग जाओ जब तक ज़िंदगी आपकी माँ बहन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा ले. ओके, ली है चाय. और कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में. अगर आप लोग फ्रेशर्स हो और आप लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, बहुत शोर शराबा है यार, मैं अभी बताऊँ कि बाद में बताता हूँ, घर पहुँच के बताता हूँ क्या बोलते पब्लिक. ये है जो कंपनी है, ये देखो, यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया अपना. ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस, तो बहुत ही शानदार था, बहुत गजब का एक्सपीरियंस था. मुझे बहुत मज़ा आया एचआर से बात करें. एचआर बहुत ही कूल तो नहीं था, लेकिन कूल बनने की कोशिश बहुत करा उसने. देखा ना, यंग टैलेंट उसके सामने खड़ा है यार. अब अगर सामने यंग टैलेंट खड़ा हो तो कूल तो बनना बनता है, वरना वो मैच नहीं कर पाएगा ना, समझ रहे हो. वैसे बुढ़ा नहीं था, ठीक ठाक एज का ही था, है ना. मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बातें किया उसने. ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा भी कुछ है जो उसे नहीं पता था, मतलब सॉरी जो उन्हें नहीं पता था. एक सेकंड, है ना, रेलवे स्टेशन किस साइड है ना, स्टेट लेफ्ट स्टेट. हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें नहीं पता था, और ऐसा उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अच्छा चैट हुआ. और एक तो बुढ़े, मतलब थोड़े दादाजी किस्म के थे, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट सवाल पूछ रहे थे, तो उनको इग्नोर करते हैं. अगर मेरा बेरा गर्क करेगा तो वही करेगा, अदरवाइज तो मेरा बेरा गर्क नहीं होने वाला. अगर मेरा बेरा गर्क होता है तो वही कर सकते मेरा बेरा गर्क, क्योंकि वो खुश नहीं थे, वो खुश कभी भी नहीं थे. जब मुझसे पहले भी और 5-6 बंदे गए, शायद उन बंदों ने उनका मूड ख़राब कर दिया. तो जो भी हो, बहुत सही एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का. मेरा ज़िंदगी का ये पहला इंटरव्यू, और बहुत शानदार. और मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा ये पहला एक्सपीरियंस के थ्रू, कि ऐसे तो कुछ गलती मैंने नहीं की है, अभी बता देता हूँ. चलो, ऐसे बहुत बड़ा कोई टिप नहीं है यार, जस्ट बी योरसेल्फ, मैं यही कहूँगा. मतलब आप जो हो वही दिखाओ यार. ऐसा किताबी वो नहीं है, गूगल पे आप यूट्यूब पे आप सर्च करके चले जाते हो कि अच्छा इसका जवाब मैं क्या दूँ, उसका जवाब मैं क्या दूँ, वैसा हु बहुत हो गया ना, तो पकड़ लेते वो लोग. मतलब बनी बनाई बातें होती है, मतलब मज़ा नहीं आता उसमें, वो क्रंच नहीं होता.
तो खुद से ही सोच के, खुद से ही, और उस जोन पे ना आपको याद भी नहीं आने वाला कि आपने क्या यूट्यूब में क्या पढ़ा है या फिर आपने क्या देखा है यूट्यूब पे, वो सब कुछ याद नहीं आने वाला आपको। तो ओह गॉड, तो जो है जो जो आप जो हो, हाँ बस ये कहूँगा कि डिटेल्ड रिसर्च करके जाओ जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उस पोस्ट के लिए। और दूसरा, अच्छा उस बुढ़ाओ को तो ये तक नहीं पता था कि मैं कौन से पोस्ट के लिए वो बैठा हुआ इंटरव्यू लें, सो वो बात तो छोड़ ही दो। दिस इज नाइस, वाओ 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 वाओ। हाँ तो उस बुढ़ाओ को ये तक नहीं पता था कि किस पोस्ट के लिए वो बैठा है, तो छोड़ो वो सब बातें, नहीं बात नहीं करते। अच्छा तो मैं क्या बात करने वाला था वो ये है सबसे ज़रूरी बात, कि आप रिसर्च करके जाना कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसा है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी के पेरेंट कंपनी कौन है, डॉटर कंपनी कौन है, ये सब मुझे भी, हाँ मैं तो रिसर्च करके गया था तो मैं उस पर बच गया, पूछ लिया उन्होंने ये सवाल कि क्या जानते हो इस कंपनी के बारे में, तो अच्छे से रिसर्च करके जाना कि आप क्या जानते हो उस कंपनी के बारे में एंड ऑल दैट। और जो दूसरी बात है वो है सैलरी एक्सपेक्टेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैलरी एक्सपेक्टेशन। भाई साहब यहाँ पर बहुत गंदा फंसोगे, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। देखो अगर आप फ्रेशर हो, आप अगर फ्रेशर हो और आप बैचलर हो, तो आपको घर मिलने में दिक्कत, फ्रेशर हो तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत, तो दिक्कत नहीं है। देखो फ्रेशर का प्रॉब्लम क्या होता है बता, आपके पास कुछ है ही नहीं दिखाने लायक, यू नो कि जैसे आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आप दिखा नहीं सकते कि आपने पहले पिछले पास्ट में आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम आपने किया हुआ है, तो आप वो सब नहीं दिखा सकते। आप सिर्फ बातों से उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, बस वो सभी, ठीक है ना। इंटर्नशिप कुछ मायने नहीं रखता भाई, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, चाहे जितना भी इंटर्नशिप आप कर लो, जितना भी कुछ भी कर लो, हाँ वो लोग पूछेंगे भी नहीं, वो लोग देखेंगे भी नहीं। अगर आप रिज्यूमे भर दो ना, वो वहाँ से पढ़ के ऐसे स्मूथली निकल जाएंगे। तो लेकिन हाँ आप, मैंने अपना बेस्ट दिया, आप अपना बेस्ट दो। अब देखो यार, किसी ने बहुत सही कहा है कि मतलब बड़े बड़े चीज़ों में पहुँचने के लिए ना छोटे छोटे चीज़ों में रिजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो रिजेक्शन तो खैर बात की बात है, जो सबसे ज़रूरी बात वो यही है कि एग्जीक्यूशन, आपने क्या अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, दैट्स इट, मेक सेंस, बढ़िया, जाके सो जाओ बिंदास, घर पे बताओ मैंने तो दिया है भाई। अभी सामने वाला बंदा अगर अपनी बीवी से लड़ाई करके आए और आपको मार्क्स ना दे तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक सेकेंड, और सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि इंटरव्यू का एक ही एक रामबाण जो मुझे, मैंने सीखा हुआ है, मैंने सुना भी हुआ है बहुत बार, कि वो ये है कि अगर इंटरव्यू चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपका मामा का नाम क्या है। अगर इंटरव्यू चाहता ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हो तो वो आपसे पूछ लेगा कि बता मेरे मामा का नाम क्या है, हो गया ना, बस बर्बाद। अच्छा हाँ, इंटरव्यू से बाहर निकल के एक बात मैं बताता हूँ, टी नगर में ना सबसे सही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर आपको शॉपिंग करना है चेन्नई में तो टी नगर, आप मेरे ऐसे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते होगे, मतलब बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हो आप, रोड साइड शॉपिंग जिसे कहते हैं, बहुत सारे हैं ऑप्शंस, आओ टी नगर, आओ लूटो, लूट के ले जाओ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, घरवाली के लिए, किसी के भी लिए, आई डोंट केयर। और बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है ब्रो, जो मन में आए कर दो, लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, नहीं यार कर दो। सो यही था आज का सफ़र, यहीं तक था, इंटरव्यू हुआ, अब मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा, घर जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा,
और फिर बस सब बढ़िया है। मिलते हैं फिर यूं ही किसी रैंडम ब्लॉग पे, कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, कुछ जानकारी वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और करियर में तरक्की करते रहे। बाय बाय।